Hi guys, you are on Smile IS YouTube channel. Our tagline is Veer Bhoge Vasundhara, means those who are hardworking and ambitious, they can achieve anything whatever they want. So अभी हम आज introduction करने जा रहे हैं इस fundamental right का. okay, ये part 3 में आता है. okay, जैसे part 4 में हो गया directive principle of state policy, part 2 में हो गया citizenship, so उससे related उसमें discuss किया गया. तो part 3 में आता है fundamental right. ओके, ये फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, आपको इसको सबसे अच्छे से पढ़ना है. यू हैव टू एवरी ईयर वन क्वेश्चन विल डेफिनेटली आज फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके, सो इसको हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से हम वन बाई वन एवरी आर्टिकल वी विल डिस्कस इन आवर लेक्चर. ओके, द फर्स्ट टॉपिक जनरल में आर्टिकल 12 एंड 13 है, इसमें डिफिनेशन ऑफ स्टेट बताया गया है. इसमें डिफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन आएगा. ओके, इसमें जो जो इंस्टीट्यूशन आएगा, अगर ये आपके साथ आपके फंडामेंटल राइट को डिसओबे कर रहा है, ओके, मान नहीं रहा है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट. इन जनरल केस आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको जाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, इन है इन दिस हायरार्की यू हैव टू गो. ओके, लाइक दैट. बट फॉर फंडामेंटल है यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम कोर्ट और इवन हाई कोर्ट, बिकॉज समटाइम हाई कोर्ट रिजेक्ट योर केस. ओके, क्योंकि आप देखोगे हाई कोर्ट का जो एरिया है वो ज़्यादा है, ज़्यादा पावर है एक्चुअली, तो जा वो फंडामेंटल राइट के अलावा भी उसके पास ज़्यादा पावर है. बट सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आप फंडामेंटल राइट के ही अगर आपका वायलेशन हो रहा है तभी आप जा सकते हो डायरेक्टली. ओके, आर्टिकल 13 में बताया गया है लॉ इन कंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल, मीन्स जैसे आप कोई लॉ बनाया जा रहा है वो अगर फंडामेंटल राइट से उसके साथ अगर मैच नहीं कर रहा है, अगर उसमें कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वो पार्ट अपने आप ही नहीं काम करेगा, वो नल एंड वाइड हो जाएगा. ओके, उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा. इवन जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लाए थे उसके पहले के जो एक्ट थे, जब ब्रिटिश का ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे था, तो उन लोग भी जो लॉ लाए थे, अगर वो लॉ अभी भी काम करेंगे, वही लॉ काम करेंगे जो फंडामेंटल राइट के साथ वायलेट नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल के साथ कंसिस्टेंटली हैं. ओके, अगर है इनकंसिस्टेंट है तो वो उतना पोर्शन नल एंड वाइड हो जाएगा, अगर पूरे लॉ में ही है तो पूरा वो एक्ट ही यूजलेस हो जाएगा. ओके, ये आता है आर्टिकल. दूसरा जो इसमें आ गया है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन सा आर्टिकल आ जाता है? आर्टिकल 14 आ जाता है, आर्टिकल 15 आ जाता है, आर्टिकल 16 आ जाता है, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18. ओके, सो आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कम अंडर द आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कम अंडर द राइट टू इक्वालिटी. ओके, इट विल गिव फोर ऑप्शन, सो यू हैव टू सेलेक्ट, सो यू नीड टू नो दीज आर्टिकल. आर्टिकल 14 टू 18 कम अंडर द राइट टू इक्वालिटी. ओके, वी विल डिस्कस इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14. उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. सो इसमें बोला गया है डिस्क्रिम भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के धर्म या जात, रेस, मेल है फीमेल है, या प्लेस ऑफ बर्थ. ओके, जैसे इसमें कई रियायत दिया गया है तो उसको भी हम पढ़ेंगे, ये एक टॉपिक है. ओके, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी सेम होना चाहिए. ओके, अगर आप भी उतने इक्वल टैलेंटेड हैं, मैं भी इक्वल टैलेंटेड हूँ, तो मींस जो ज़्यादा टैलेंटेड है उसको वो जॉब मिलना चाहिए. आपको भी ऐसा नहीं कि आपको बोला जाएगा आप ये जॉब नहीं ले सकते लेकिन बस इसी बंदे को जॉब, तो ऐसा नहीं हो सकता. सभी को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और जो ज़्यादा टैलेंटेड है उसको जॉब मिलेगा. कुछ ऐसा है, इसमें कुछ रियायतें भी दिया गया है डिफरेंट केसेस में, सो हम उसको भी डिस्कस करेंगे. ओके, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ओके, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. एबॉलिशन ऑफ टाइटल, जैसे किसी को टाइटल नहीं दिया जा सकता, जैसे अभी कुछ दिन पहले किसी बच्चे ने आरटीआई दायर किया था. ओके, तो
तो उसमें पूछा था कि जैसे अभी आप स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि फादर ऑफ द नेशन कौन है, तो महात्मा गांधी को बताया जाता है। तो उसने पूछा कि ये टाइटल दिया किसने, कि इसने उनको महात्मा गांधी जी को, तो उसमें बताया गया कि ये टाइटल किसी ने दिया नहीं है, बट उनका इतना कंट्रीब्यूशन है इसलिए बस ऐसे उनको बोला जाता है, ऐसा कोई टाइटल उनको एक्चुअली दिया गया ही नहीं है। ओके, उनको ऐसा फादर ऑफ द नेशन ऐसा कोई है ही नहीं हमारे देश में, ठीक है, ये जस्ट ऐसे बताया जाता है उनका कंट्रीब्यूशन को देख के। ओके, ये इसी आर्टिकल आर्टिकल 18 से ही, क्योंकि किसी को टाइटल नहीं दिया जा सकता, ये आर्टिकल ये मना करता है एबॉलिशन। ओके, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। ओके, और ये दूसरा जो टॉपिक आया था राइट टू फ्रीडम, ये राइट टू फ्रीडम कौन कौन सा आर्टिकल आ जाता है, 19, 20, 21, 21A, 22, ये आर्टिकल अंडर द राइट टू फ्रीडम आ जाता है। ओके, और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19, जिसमें जब लोगों से बोला जाता है कि आप ये मत करो, वो मत बोलो, ऐसा मत लिखो, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर में आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसको हम अच्छे से, सारे ही आर्टिकल को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि सारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट पीसीएस, ओके, और एनी अदर एग्जाम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ओके, जैसे उसमें बताया गया है कि किसी को क्राइम के लिए एक बार पहले सजा मिल चुका है, सो उसको उसी क्राइम के लिए दोबारा उसको सजा नहीं दिया जा सकता। ओके, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जजमेंट को भी। ओके, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, एक्चुअली ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। एक्चुअली ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है, बट इसको प्रोग्रेसिव रीडिंग की वजह से अपने जो कोर्ट है हमारे, तो उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में बहुत ढेर सारे ऐड कर दिए हैं। तो लाइफ क्या है, लाइफ मीन्स फूड मिलना चाहिए, अच्छा फूड मिलना चाहिए, और भी ढेर सारे इसमें, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, उसके अलावा आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन कर दिया गया है। ओके, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके, नहीं तो गवर्नमेंट आप कुछ बोलोगे तो गवर्नमेंट आपको पकड़ ले जाएगा, इसीलिए आपको इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। ओके, ये एक टॉपिक और आ गया, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। ओके, ये कौन कौन सा आर्टिकल इसके अंडर में आ जाता है, आर्टिकल 13 आ जाता है, आर्टिकल 23 आ जाता है, एंड आर्टिकल 24 आ जाता है। ओके, इस वाले में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीन एंड फोर्स्ड लेबर। सो इसके बारे में बताया गया, फोर्स्ड लेबर होता क्या है, जैसे कोई बंदे से आप काम करवा रहे हो, उसको सैलरी भी दे रहे हो, बट उसका काम करने की इच्छा नहीं है, तो फोर्स्ड लेबर है। सो ऐसे इसके बारे में डिफरेंट चीजें बताई गई, एक्सप्लेन किया गया। ओके, उसको हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। ओके, जिसमें बच्चे हैं कौन कौन से इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, कितने एज के लिए काम कर सकते हैं, जैसे आपका खुद का किराना का स्टोर है तो आप अपने बच्चे को उसमें बैठा सकते हैं कि नहीं, सो इस सब चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, ये इस समय बहुत न्यूज में है, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात किया जा रहा है। ओके, आर्टिकल 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब मीन्स अपना कोई रिलीजन फैला सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। ओके, जैसे इसमें एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि डिफरेंट जजमेंट में कोई पैसा देके अगर आपका रिलीजन कन्वर्ट करा रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा अंडर आर्टिकल 25। ओके, या कोई आपको मटेरियल बेनिफिट करके कर रहा है का ज्वाइन कर लो तो भी वो अलाउ नहीं है। ओके, आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ओके, आपको मैनेज करने का पूरा अधिकार है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, अपना आप रिलीजन प्रमोट करने के लिए आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो इन सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आता है क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसको भी बहुत डिस्कस किया जाता है। ये कॉलेज जैसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप देखे होंगे डिफरेंट है, सो उनको कुछ
स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। ओके, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो इन सब चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे आर्टिकल 31 ABC है, इसमें जैसे कई लॉ लाए गए, जैसे कि कई लॉ ला रहे थे, तो जैसे गवर्नमेंट पास कर रही थी तो उसमें पंगा ये था कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। अब वो जैसे लाते तो वो उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता, तो उन्होंने एक बना दिया कि एक सेक्शन बना दिया। ओके, तो उसमें क्या किया, उसमें कोई भी उस बॉक्स में कोई भी लॉ डालोगे तो उसको कोर्ट चेक नहीं कर सकता। ओके, आप जाके सुप्रीम कोर्ट बोलोगे तो उस उन लॉ को चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय जो जमीन का मीन्स जैसे जिसके पास ज़्यादा एक्सेस लैंड है तो उसको ले लिया जा रहा था और उसको गरीब को बांटा जा रहा था। तो ओके, तो लोग पहुंच जा रहे थे सो इस चीज़ों के लिए, और जैसे जो जमींदार दार थे तो सो ढेर सारी चीज़ों को इसमें करने के लिए तो सरकार ने ये वाला लाया। ओके, सेविंग सर्टेन लॉज। ओके, उसको चेक नहीं किया जा सकता। ओके, जब तक इस बॉक्स के अंदर है तो उसको कोर्ट भी चेक नहीं सकता, वो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर भी रहा होगा तो भी नहीं चेक किया जा सकता। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, ये आर्टिकल 32, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे भीमराव अम्बेडकर थे तो उन्होंने क्या बोला कि इस आर्टिकल के बिना ये पूरा फंडामेंटल राइट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्फोर्स ही नहीं करा पा रहे हो किसी फंडामेंटल राइट, जैसे आपका वायलेशन हो गया और आप कोर्ट जा ही नहीं पा रहे हो तो उसको क्या मतलब रह गया। अब जैसे मान लो आपको कोई वायलेट कर दिया फंडामेंटल राइट, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई गवर्नमेंट, आप उसके बाद उसको बोल ही नहीं पा रहे हो कि किसके पास जाना है। सो उन्होंने बोला था ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड इन दिस पार्ट। इसी आर्टिकल के थ्रू आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ओके, आर्टिकल 33 है, 34 है, 35 है। जैसे इसमें क्या है, अब मान लो जैसे हमारा पुलिस है, उसका अगर कुछ फंडामेंटल, अगर वो सारे लोग धरने पे बैठ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसलिए उनको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और ये फंडामेंटल राइट वहाँ पे नहीं लगेगा जहाँ पे मार्शल लॉ लगा है, जहाँ पे मार्शल लॉ वहाँ पे लगे जहाँ पे वार लाइक सिचुएशन, जहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे स्थानों पे फंडामेंटल राइट काम नहीं करेगा। इसका पीछे मेन रीजन ये है कि अगर आर्मी के पास पावर नहीं होगा, जैसे आर्मी ये नेवी इन लोग के पास फुल पावर नहीं होगा ना, तो ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है वहाँ पे आप ह्यूमन राइट्स ये सब कुछ देखने लगोगे तो पंगा हो जाएगा। सो जैसे डिफरेंट एक्ट्स हैं, स्पेशल राइट दिया गया है आर्मी इन सब लोगों को। ओके, ये जहाँ पे जैसे कई स्थानों पे एफ्सपा आर्म पावर स्पेशल पावर एक्ट जो जहाँ जहाँ पे लगाया गया है वहाँ पे भी ये सब अप्लाई है। और जैसे आर्मी हमारा बॉर्डर सुरक्षा कर रहा है, अब उनका कोई वायलेशन हुआ तो वो धरने पे बैठ गए तो बॉर्डर का सुरक्षा कौन करेगा, तो इसलिए उनके लिए ये सब रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ओके, ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ओके, ये फंडामेंटल राइट है, उसके बाद से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शुरू हो जाता है। ओके, इसको हम कल से नेक्स्ट लेक्चर से वन बाय वन आर्टिकल वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, उससे रिलेटेड जजमेंट को भी डिस्कस करेंगे, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC स्टेट PSS एंड एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बुक एज वेल एज मंथली मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके ओके, सो प्लीज ज्वाइन आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एज वेल। We are going to provide book in the month of August, okay? As well as video is available in our YouTube channel, okay? Thank you. Have a nice day. I hope you like, share and subscribe. Thank you.